बीजेपी के लोगों को तो यहाँ पे वैसे ही वोट नहीं मांगना चाहिए जो सीलिंग के लिए प्रेशर डालते हैं ओखले विधानसभा के अंदर। प्राइवेट स्कूल के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा चेंज है दिल्ली में सर, ये समझना पड़ेगा हमें। आम मुद्दा जो है ना, यहाँ पब्लिक का मुद्दा है, बिजली पानी शिक्षा सुरक्षा, तो हम क्या है ना, हम नेशनल इशू पे नहीं जा रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि यहाँ पे वोट का बहुत शार्प डिवीजन होगा? नहीं, हमें नहीं लगता कि यहाँ पे वोट का कोई डिवीजन होने के चांसेस है, इसलिए कि यहाँ पे क्या है कि आम आदमी पार्टी जो है वो एक ऐसी पार्टी है जो हर दिन सुबह शाम दिन रात पब्लिक के साथ खड़ी रहती है। जो दूसरी पार्टी है कांग्रेस और भाजपा, वो सिर्फ इलेक्शन में नज़र आती कि वो एक पार्टी है, उसका कोई इशू नहीं है, उसका मुद्दा सिर्फ इलेक्शन होता है, उसके सिवा पब्लिक से रिलेटेड उसका कोई मुद्दा नहीं होता, पब्लिक के काम से उसको कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए हमको नहीं लगता कि किसी भी आदमी को कोई कन्फ्यूजन है वोट देने में, वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को वोट करेगी, उसके सिवा वोट इधर उधर जाने का कोई चांसेस नहीं है। माऊ साहब, आप कितना इनकी बात से एग्री करते हैं, क्यों, क्या लगता है किस पार्टी का पलड़ा भारी है इस दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, चूंकि ये हाई प्रोफाइल बैटल हो गया है यहाँ पे, गौतम गंभीर हैं भाजपा की तरफ से, अरविंदर सिंह लवली हैं कांग्रेस की तरफ से, कितना डिफिकल्ट है ये इलेक्शन तीनों पार्टी के लिए? देखिए, आपने बात करी बीजेपी कैंडिडेट की गौतम गंभीर की, आपने बात करी लवली की, और आपने बात करी आतिशि मैम की। देखिए, बता दूँ मैं आपको, गौतम गंभीर हैं वो सेलिब्रिटी हैं, पैराशूट से आए हुए हैं, दो दो वोटर आईडी कार्ड बनवा कर आए, उनके खिलाफ तो वैसे भी कंप्लेंट गई, वो तो वैसे भी जेल जाएंगे। वो पहली चीज़, वो लोगों से गद्दारी कर रहे हैं, घुमराह लोगों को कर रहे हैं। दूसरी बात लवली की आप करिए, लवली बीजेपी में चले गए, आरएसएस का कच्चा पहनकर दोबारा से वापस आए हैं, कोई इन पर यकीन नहीं करेगा। अगर आरएसएस का कच्चा इन्होंने पहन लिया तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी के ये हैं, इससे बेहतर है जरूरत नहीं कांग्रेस वाले की, बीजेपी से चुनाव लड़ लेते। जब आरएसएस के अगर तलवे चाटेंगे आप लोग तो कैसे माइनॉरिटी एक्सेप्ट करेगी? कोई माइनॉरिटी नहीं, कोई भी आदमी एक्सेप्ट नहीं करेगा, अब जाहिर सी बात है। और जहां तक बात है आतिशी मैम की, आम आदमी पार्टी की, देखिए सरकार ने जो काम किया है उस काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं, और आतिशी जो है एजुकेशन पर जिन्होंने जितना काम किया, जो पॉलिसी जी वो सब आतिशी मैम ने पहले काम किया, उसके बाद वोट मांगा जा रहा है। बीजेपी के लोगों को तो यहाँ पे वैसे ही वोट नहीं मांगना चाहिए जो सीलिंग के लिए प्रेशर डालते हैं ओखला विधानसभा के अंदर, वो किस मुँह से ओखला में वोट मांगने का काम करते हैं। उन्हें तो जब उन्होंने कोई विकास नहीं किया ओखले के अंदर, कोई स्कूल बनाया हो यहाँ पे, कुछ काम किया हो विकास का, कोई सड़क बनाई हो बीजेपी के लोगों ने, तो उन्हें वोट मांगना चाहिए, जबकि उनके उन्हें दो दो काउंसलर यहाँ से दिए। क्या उन्हें विधानसभा के अंदर वोट नहीं मिला उनके कैंडिडेट को? क्या उन्हें एमपी के कैंडिडेट को वोट नहीं मिला? फिर भी बीजेपी क्यों काम नहीं करती है, जबकि वो कहती है सबका साथ सबका विकास? कहाँ पे सबका साथ सबका विकास है? सिर्फ वो एक ही काम करती है, वो जाति की राजनीति करती है, वो धर्म की राजनीति करती है, वो क्षेत्र की राजनीति करती है, वो भाषा की राजनीति करती है, जो डिवाइड एंड रूल की राजनीति जो 47 से पहले जो अंग्रेज किया करते थे, वही राजनीति आज की डेट में आपकी बीजेपी करती है। रिजवान साहब, आप ये बताएं, आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप एक लंबे टाइम से पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्या लगता है क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे चुनाव होगा इस दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस बार? मेरे हिसाब से यहाँ पर काम के ऊपर होना चाहिए, जिससे आम जनता को फ़ायदा होगा। भाई, आपको और हमको ये समझना पड़ेगा कि वाकई, देखिए मैं किसी पार्टी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, मगर हम ये देख रहे हैं कि वाकई जो इससे पहले सरकारें रहीं और अभी के सरकार, उनमें क्या परिवर्तन है। मैंने एज एजुकेशनिस्ट कई परिवर्तन देखा है, बड़े लेवल पर एजुकेशन पर काम हुआ है। पहले स्कूल्स तो वही हैं जो पहले थे, बिल्डिंग्स भी वही है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम को ठीक किया है। इस दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बहुत बड़ी मुस्लिम तादाद रहती है, मुस्लिमों को एक बड़ी तादाद यहाँ पर रहती है, और मुस्लिम्स का वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच डिवाइड होगा, और यहाँ से बीजेपी के निकलने के चांसेस हैं जो पिछले इलेक्शन में हमने देखा भी। क्या आपको लगता है? देखिए, मैं आपको, मुस्लिम कम्युनिटी है ना, बड़ा समझदार हो गया। आप देखिए यूपी में क्या हुआ, महागठबंधन सीधे शब्दों में तय, जो पिछली बार जो गलती किया ना लोगों ने, नहीं करेगा। अब लोगों में, कॉमन पीपल में ये जा रहा है कि आतिशी 8 महीने से है, ये तो नए लोग आए हैं, और एक कहीं ना कहीं जो आप देखिए कैंडिडेट जो है वो बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं, इसका बुरा असर भी है ना, तो कहीं ना कहीं लोग चांस देंगे। देखिए, वोटर्स बहुत समझदार है, आज के दिन मैं जो समझता हूँ साइलेंस वोटर ज़्यादा है, साइलेंस वोटर क्या कुछ भी परिवर्तन कर सकता है? देखिए, जो लोग यहाँ 5 साल जिन्होंने झेला है ना, वो बड़े फैसले लेंगे, अब वो सिंगल माइंडेड हो, किसी के कहने पे फैसले नहीं लेंगे, वो समझदार हो चुके हैं।